एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमी क्लास ट्वेल्व को रिलेशन्स बिट्विन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स संग रिलेटेड एक्सरसाइज सल्व कर गई रहो। एक्सरसाइज सल्व कर अगड़ी कई थ्योरी पोर्सन तेस कवर करने कोशिश करूँ हाई। ओके, मानू हमीसंग कुछ एटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन एएक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो भनौं र ए को भेल्यू जीरोसंग बराबर होना हुँदैन। ए को भेल्यू जीरोसंग बराबर भयो भने जुन यो इक्वेसन त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन सक्दैन। सो अब जुन यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ यसको सधैं दुईटा रुट्स हुन्छ। मानौ त्यो एउटा रुट्स हो अल्फा र अर्को रुट्स हो बीटा। हे त जुन यो अल्फा छ, अल्फा भनेको माइनस पी प्लस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए भनेर भनौ। त्यस्तै गरेर जुन यो बीटा छ त्यो बीटा भनेको माइनस पी माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए हुन्छ भनेर भनौ। ओके, अब यदि हामीले यो दुईटा रुट्सहरुलाई एडिशन गर्यो भने के हुन्छ होला त? सम गर्यो भने अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी प्लस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए प्लस, अब बीटालाई पनि प्लस गर्ने कोशिश गरौँ। सो यो माइनस पी माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए हुन्छ है त। ओके, अब हेर्नु त दुईटाबाट एलसीएम लिने कोशिश गरौँ। एलसीएम कति आउने भयो त? टू ए आउने भयो। सो यो माइनस पी प्लस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी माइनस बी माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी होने भाई। ओके, अब यह प्लस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी कैंसिल आउट होने भाई। सो माइनस बी कर माइनस टू बी बाई टू ए। सो ये दुईटा कैंसिल आउट भो। सो कति आई रख माइनस बी बाई ए। ते भर जैसे जो क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रुट्स दुईटा रुट्स तो दुईटाला प्लस गए अथवा सम गए किसंग बराबर आँद रहे तो माइनस बी बाई एसंग बराबर आँद रहे। माइनस बी बाई एसंग बराबर आँच। त्यस्तै गरेर दुईटा रुट्स मैं मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ भनेर हेरौं है त। प्रोडक्ट गरे भने के हुन्छ? सो यो माइनस बी प्लस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए इंटू माइनस बी माइनस अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी बाई टू ए होने भाई। ओके, यदि मैं माइनस बीलाई ए भनेर माने भने यो माइनस बी पनि के हुन्छ? ए नै हुन्छ। फिर ध्यान दिनु है। सो यो जुन यो अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी छ यदि यसलाई मैले बी भनेर माने भने यो अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी पनि के हुन्छ त? बी नै हुन्छ। त्यसो भए कस्तो फर्ममा गइराको छ त? ए प्लस बी अनि ए माइनस बी को फर्ममा गइराको छ। सो यो के को फर्मुला भयो त? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला भयो है त। सो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्नु पर्ने हुन्छ। ए को ठाउँमा कति छ भने त माइनस बी छ। सो माइनस बी को होल स्क्वायर माइनस अब बी को ठाउँमा कति छ त? अंडर रुट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी छ यसको होल स्क्वायर हुने भयो। डिवाइड बाई टू ए इंटू टू ए गर्दा कति हुने भयो? यो फोर ए स्क्वायर हुने भयो। ठीक छ, फोर ए स्क्वायर भयो। फेरि यसलाई सल्व गर्ने कोशिश गरौँ। यो बी स्क्वायर भइहाल्यो, फेरि माइनस अब यो स्क्वायरले अंडर रुटलाई क्यान्सल आउट गर्छ अनि के हुने भयो त? माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी। र जुन यो माइनस छ यो माइनसले चाहिँ भित्रपट्टिको जुन भ्यालु आइरहेछ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने कोसिस गर्छ। सो यो माइनस बी स्क्वायर प्लस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर हुने भयो इक्वल टू यो दुईटा क्यान्सल आउट यो फोर एसी बाई फोर ए स्क्वायर हुने भयो। फोर र फोर पनि क्यान्सल आउट, एउटा ए र एउटा ए पनि क्यान्सल आउट हुने भयो, बाँकी रह्यो कति त? सी बाई ए हुने भयो। सो दुईटा रुट्सहरूलाई मैले मल्टिप्लाई गरेँ भने त्यो केसँग बराबर आउँदो रहेछ त? सी बाई एसँग बराबर आउँदो रहेछ। यो जुन दुईवटा रिजल्ट्सहरू छ यो दुईवटा रिजल्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै युजफुल हुन्छ। सो हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। यसमा के हुन्छ भने हामीलाई कुनै एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको दुईटा रुट्सहरू दिन्छ। त्यो रुट्सहरू भनौँ अल्फा र बिटा हो। अब यो अल्फा र बिटा रुट्सलाई युज गरेर हामीले के गर्नुपर्ने छ? क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्ने छ है त। सो अब मैले के गरेँ भने यसलाई मैले यसरी लेख्ने कोसिस गरेँ, एक्स माइनस अल्फा इन्टू एक्स माइनस बिटा इक्वल टू जिरो भनेर लेखेँ है त। यसो गर्दाखेरि के हुन्छ? एकचोटि एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जिरो गर्दाखेरि एक्स इक्वल टू अल्फा आउँछ र एक्स माइनस बिटा इक्वल टू जिरो गर्दाखेरि एक्स इक्वल टू बिटा आउँछ। सो र कुनै पनि क्वाड्रेटिक इक्वेसनहरूलाई हामीले फाइनल्ली सल्भ गर्दाखेरि यसलाई के हुन्छ? फ्याक्टर फर्ममा लेख्दाखेरि यस्तो नै आउँछ। सो हामीले यसरी पनि लेख्न पायौँ। सो यसलाई थोरै सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ। यो के हुन्छ? एक्स इन्टू एक्स गर्दा एक्स स्क्वायर हुने भयो। सो यो माइनस एक्स इन्टू बिटा गर्दा यो के हुन्छ होला? बिटा एक्स हुन्छ। त्यस्तै गरेर माइनस अल्फा इन्टू एक्स गर्दा यो माइनस अल्फा एक्स हुने भयो। सो माइनस अल्फा इन्टू माइनस बिटा गर्दा यो प्लस अल्फा इन्टू बिटा इक्वल टू जिरो हुने भयो। सो जुन यो माइनस अल्फा एक्स छ यसलाई मैले अगाडि लिएर आउने कोसिस गरेँ है। सो यो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बिटा एक्स प्लस
अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कति हो तो जीरो हो। सो इस हे्यौं यहाँ बड़ के कमन आ माइनस यक्स कमन आँच। सो मैं के करें यो माइनस कमन लिखे सुरू में अनि यो अल्फा प्लस बीटा भनेर लेखे अनि यहाँ चाहिँ एक्स लेख्दै ठीक छ। यसलाई खोल्दाखेरि फेरि के आउँछ त माइनस एक्स अल्फा माइनस बीटा एक्स नै आउँछ। सो प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो हुने भयो। सो यदि हामीलाई दुईटा रुट्सहरु दिइराको छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन को भने जहिले पनि त्यसको इक्वेसन के हुन्छ त क्वाड्रेटिक इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो हुन्छ ठीक छ। यो भयो फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन। ओके अब भने हामी एक्सरसाइज सल्व गर्नतिर लागौ है त। हामीले एक्सरसाइज 5.2 सल्व गर्दै छौ बेसिक मैथमेटिक्स बुक बाट। सो हाम्रो पहिलो क्वेशन छ फर्म द इक्वेसन विथ रुट्स आर भनेर भनिराको छ। ओके हामीलाई दुईटा रुट्सहरु के भन्छ त्यसबाट हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन को फर्मेसन गर्नुपर्ने छ है त। हाम्रो पहिलो क्वेशन छ ए मा रुट्सहरु 3 र -2 भनेर दिइराको छ है त। ओके इसमें के करूँ तो लेट करूँ पैला लेट अल्फा इक्वल टू 3 भनौ हाई तस्ते बीटा इक्वल टू कति भनऊ तो -2 भनौ ते नाउ वी नो दैट इक्वेसन हैविंग रुट्स अल्फा एन बीटा इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो हो तो हमें ठा। सो एक्स स्क्वायर माइनस अब हे तो अल्फा को ठाव में कति अ 3 सो प्लस अब बीटा को ठाव में कति -2 हाई -2 भनेर लेखौ इंटू एक्स प्लस अल्फा 3 बीटा -2 इक्वल टू 0 होने भाई थोड़े सीम्प्लिफाई करने कोशिश करूँ। यो एक्स स्क्वायर माइनस अब 3 -2 कति हो तो यह 1 हो। सो 1 इंटू एक्स करता यह एक्स होने भाई अभी 3 इंटू -2 कर -6 -6 ले प्लस मल्टिप्लाई कर -6 नहीं होने भाई। सो देयरफोर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन कति होने भाई तो हम देयरफोर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 होने भाई। ओके त्यस्तै गरी अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ। हाम्रो दुईटा रुट्स के अंडर रुट 3 र माइनस रुट 3 फेरि सोलुसन लेट एक्स इक्वल टू सरी लेट अल्फा इक्वल टू रुट 3 र बीटा इक्वल टू माइनस रुट 3 भनेर भन्नु है त। फेरि सेम नाउ इक्वेसन हेविंग रुट्स अल्फा एन बीटा इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होने भाई। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा को ठाव में कैसे हेन अभी रुट 3 सो बीटा को ठाव में माइनस रुट 3 सो मैं डाइरेक्टली के करते हैं माइनस रुट 3 लिखे हाई। सो इंटू एक्स प्लस ये रुट 3 इंटू माइनस रुट 3 इक्वल टू 0 होने भाई। सो यो एक्स स्क्वायर अब यह रुट 3 माइनस रुट 3 कर 0 हो 0 इंटू एक्स कर 0 होने भाई जो एक्स वाला टर्म छो हर जाने भो। सो रुट 3 इंटू माइनस रुट 3 करता कति हो माइनस 3 होने भो यो इक्वल टू 0 होने भाई। देयरफोर द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 होने भाई। तस्ते अब अरुण इक्वेसन भी हर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊ। फिर हमें दुईटा रुट्स दी रहा है दुईटा रुट्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मेसन करूर्ने हाई तो। सो अब सब कुछ हम लेख दिनौ अब डाइरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेसन के होता जाऊँ हमी। सो इस मैं के अल्फा भर इस मैं बीटा भर हाई तो। सो अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेसन के होता भन्न तो लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो। सो अब यो एक्स स्क्वायर माइनस अब हेर हाई तो अल्फा को ठाव में कति 1/2 यो -1 प्लस अंडर रुट 5 भयो। फेरि प्लस बीटा को ठाव में 1/2 इंटू -1 माइनस अंडर रुट 5 दी रहा है इंटू एक्स। फेरि प्लस अल्फा को ठाव में कति हेन 1/2 इंटू -1 प्लस अंडर रुट 5 भयो। फेरि इंटू 1/2 इंटू -1 माइनस
रुट फाइव होने पाए। सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अलिकति थोरै समय लाग्न सक्छ, तर त्यति धेरै कम्प्लेक्स पनि छैन। यो सल्व गर्न जाने भने चाहिँ यो एक्स स्क्वायर माइनस, अब मैले के गरेँ त हेर्नु त, यहाँ पनि वान बाई टू छ, यहाँ पनि वान बाई टू छ, सो यसलाई मैले कमन लिने कोसिस गरेँ। सो यो माइनस वान प्लस अन्डर रुट फाइभ, यो माइनस वान माइनस रुट फाइभ हुने भयो, ठिक छ। यो इन्टु एक्स फेरि प्लस, अब फेरि हेरौँ त दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ, सो वान बाई टू इन्टु वान बाई टू गर्दा कति हुन्छ होला, यो वान बाई फोर हुन्छ। सो फेरि हामीले माइनस वान प्लस रुट फाइभ र माइनस वान माइनस रुट फाइभलाई पनि मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ। सो यो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यसो हेऱ्यो भने यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने कोसिस गरौँ त, यो प्लस रुट फाइभ र माइनस रुट फाइभ क्यान्सल आउट हुने भयो, माइनस वान गर्दाखेरि यो कति हुन्छ होला त, यो माइनस टू हुन्छ इन्टु एक्स भयो, फेरि प्लस वान बाई फोर इन्टु, फेरि हेरौँ त यो ए प्लस बी, ए माइनस बीको फर्ममा गइरहेको छ, ए को ठाउँमा अहिले हामीसँग माइनस वान छ र बीको ठाउँमा रुट फाइभ छ, फेरि यो पनि ए हुने भयो अनि बी के हुने भयो त, फेरि रुट फाइभ नै हुने भयो। सो ए प्लस बी अनि ए माइनस बी भयो, सो के हुने भयो त, यो अब हेरौँ त, यो माइनस वानको होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुन्छ, बीको ठाउँमा कति छ त रुट फाइभ छ, सो यसको होल स्क्वायर हुने भयो यो एक्स स्क्वायर माइनस। अब टूले टूलाई क्यान्सल आउट गर्यो, यहाँ माइनस वान भयो, माइनस वानले माइनससँग मल्टिप्लाई गर्दा यो प्लस हुने भयो अनि वान इन्टु एक्स गर्दा यो एक्स हुने भयो, फेरि प्लस यो वान बाई फोर, अब माइनस वानको स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ त यो वान हुन्छ, अनि फेरि माइनस अनि रुट फाइभको होल स्क्वायर भनेको यो फाइभ मात्रै हुने भयो, ठिक छ। सो यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, अब यो भनेको माइनस फोर छ, हेर्नु यता माइनस फोरलाई फोरले डिभाइड गर्यो भने कति हुन्छ, माइनस वान हुन्छ, यो इक्वल टु जिरो हुने भयो। हामीले यहाँ जिरो लेख्नै छ, जिरो लेख्दै आउनु, इक्वल टु जिरो, यो नै हाम्रो के हुने भयो त, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुने भयो, ठिक छ। ओके, त्यस्तै गरी फेरि अब अर्को छ, एउटा रुट छ ए प्लस आइबी र अर्को रुट छ ए माइनस आइबी, यसबाट हामीले क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मेसन गर्नुपर्ने छ। यसलाई मैले अल्फा भनेर माने, यसलाई मैले बिटा भनेर माने है त। अब हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसन के हुन्छ त, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बिटा इन्टु एक्स प्लस अल्फा इन्टु बिटा इक्वल टु जिरो हुन्छ। सो अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फाको ठाउँमा कति छ, ए प्लस आइबी छ, फेरि प्लस बिटाको ठाउँमा ए माइनस आइबी छ, इन्टु एक्स प्लस है त, यहाँ लेख्नलाई अलिकति मिलेन, सो मैले तल लेख्न खोजेँ, फेरि प्लस अल्फाको ठाउँमा के छ त, ए प्लस आइबी छ र बिटाको ठाउँमा ए माइनस आइबी छ, इक्वल टु जिरो हुने भयो। सो यो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यो प्लस आइबी र माइनस आइबी क्यान्सल आउट हुने भयो अनि ए र ए हेर्नुभयो भने ए प्लस ए गर्दा यो टु ए हुन्छ अनि इन्टु एक्स गर्दाखेरि यो टु ए एक्स हुने भयो, फेरि प्लस अब यो हेर्नु भने यो ए प्लस बी अनि यो चाहिँ ए माइनस बीको फर्ममा छ, सो यो ए स्क्वायर माइनस आइबीको होल स्क्वायर हुने भयो, इक्वल टु जिरो। सो एक्स स्क्वायर माइनस टु ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर भनेको माइनस वान हुन्छ, सो माइनस वानले माइनसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुने भयो त, प्लस हुने भयो अनि बीको स्क्वायर भनेको बी स्क्वायर हुने भयो, इक्वल टु जिरो, र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ है त। ओके, अब हामी टु नम्बरको क्वेसनतिर, हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ, फाइन्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रुट्स आर ट्वाइस द रुट्स अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फाइभ इक्वल टु जिरो भनेर भनिरहेको छ है त। यसमा के गर्नुपर्नेछ, हामीले एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्नेछ जसको रुट यो जुन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यसको भन्दा ट्वाइस भएको हुनु पऱ्यो है त। भन्न खोजेको मतलब, यदि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट अल्फा र बिटा छ भने जुन हामीले फाइन गर्नुपर्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यसको रुट्स के हुनु पऱ्यो त, टु अल्फा र टु बिटा भएको हुनु पऱ्यो है त। ओके, अब यो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेरौँ। सल्युसन, लेट अल्फा एन्ड बिटा बी रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन इक्वेसन फोर एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फाइभ इक्वल टु जिरो भनेर भनौँ है त। र यसलाई के पनि गरौँ त, एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी इक्वल टु जिरोसँग कम्पेयर पनि गरौँ। अब हामीले के पाउँछौँ होला त, एको भेल्यु फोर पाउँछौँ, बीको भेल्यु एट पाउँछौँ र सीको भेल्यु चाहिँ माइनस फाइभ पाउँछु। यो गर्न जरुरी चाहिँ छैन है, जस्ट मैले हजुरहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै यो गर्दैछु, यो लेख्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। सो अब हेरौँ त, अल्फा प्लस बिटा गऱ्यो भने के हुन्छ होला त, यदि यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको रुट्सहरू अल्फा र बिटा छ भने
दुईटा रुट्स प्लस करता सदैं किसंग बराबर आँच माइनस पी बाई एसंग बराबर हो हमने थ्योरी पोर्सन में पढ़ी सकता छो प्रूफ भी कर सो यो माइनस पी को भेल्यू कति हे तो एट सो यो माइनस एट बाई ए को भेल्यू फोर सो यह कैंने भाई माइनस टू होने भाई तस्ते अल्फा इंटू बीटा गए किसंग बराबर होता तो सी बाई एसंग बराबर होता हमीसंग सी को भेल्यू माइनस फाइव सो यो माइनस फाइव बाई ए को भेल्यू फोर सो अल्फा इंटू बीटा करता माइनस फाइव बाई फोर आयो अल्फा प्लस बीटा करता कति आए तो माइनस टू आए फिर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट्स अफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन को जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेसन पत्ता लगन पर्ने त्यसको रुट्स के टू अल्फा र टू बीटा हुन्छ किनभने ट्वाइस द रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर भनिरहेको छ सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रुट्स अफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इक्वेसन आर टू अल्फा एंड टू बीटा ठीक है सो अब हेर्नु त यसको रुट्स के आइरहेको छ त टू अल्फा र टू बीटा आइरहेको छ सो इसको दुईटा रुट्स मैं एडिशन गरेँ के पाउँछ होला त सम अफ रुट्स कति पाउँछु टू अल्फा प्लस टू बीटा भनेर पाउँछु यहाँबाट टू कमन लिगे भने यो के हुन्छ अल्फा प्लस बीटा हुन्छ सो यो टू इंटू हेर्नु त अल्फा प्लस बीटा को भेल्यू हाम्रो कति छ माइनस टू छ सो यो कति हुने भयो त माइनस फोर हुने भयो जुन न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ जुन हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ त्यसको सम अफ रुट्स केसँग बराबर हुँदैछ त माइनस फोर सँग बराबर हो ठीक है त्यस्तै गरेर प्रोडक्ट अफ रुट्स कर दूं तो प्रोडक्ट अफ रुट्स के होने भाई तो टू अल्फा इंटू टू बीटा होने भाई ठीक है सो ये होने भाई तो फोर अल्फा इंटू बीटा होने भाई सो यह फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा को भेल्यू कैसे माइनस फाइव बाई फोर सो यह कति आने भाई तो माइनस फाइव आने भाई सो द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वेश्चन विथ रूट्स टू अल्फा एंड टू बीटा इज के होना पे तो एक्स स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस टू बीटा इंटू एक्स प्लस टू अल्फा इंटू टू बीटा इक्वल टू जीरो होना पे हाई सो अब हमें के लिखना पाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अब टू अल्फा प्लस टू बीटा को भेल्यू कति माइनस फोर सो यो माइनस फोर एक्स नहीं भो फिर प्लस टू अल्फा इंटू टू बीटा को भेल्यू कति आई रख माइनस फाइव आई रख इक्वल टू जीरो होने भाई थोड़े सीम्प्लिफाई करूँ ये क्यों भाई तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो होने भाई देयरफोर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन इज इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो होने भाई ठीक है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन व्हिच रुट्स आर रेसिप्रोकल अफ द रुट्स अफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो भाग्वेसन के भन्न खोजि हमें एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन पत्ता लगन पर्ने जिसको रुट यह गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रुट्स को ठैक्क रेसिप्रोकल होने भाई त अब इसको रुट्स अल्फा र बीटा है जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेसन इसको रुट्स के होने पे तो वन बाई अल्फा र वन बाई बीटा होने पे हाई ओके अब यह क्वेश्चन कसरी सल्व करने वाले हर सल्युसन लेट अल्फा एंड बीटा बी रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो ओके अब इस एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी इक्वल टू जीरोसंग कंपेयर करें मैं ए को भेल्यू कति पाँच होगा थ्री पाँच तस्ते करें बी को भेल्यू माइनस फाइव पाँच री को भेल्यू चाहे माइनस टू पाँच हाई ओके के करूँ तो अब अल्फा प्लस बीटा को भेल्यू निकालों सो अल्फा प्लस बीटा कति होगा माइनस बी बाई ए हो सो माइनस बी को ठाकुर कति हमीसंग माइनस फाइव सो माइनस फाइव बाई ए को ठाकुर थ्री सो यह फाइव बाई थ्री होने भाई तस्ते करें अल्फा इंटू बीटा कति होगा हेन सी बाई ए हुन्छ र सी को भेल्यू हामीसँग माइनस टू डिवाइड बाई ए को भेल्यू थ्री सो यो माइनस टू बाई थ्री होने भाई त्यस्तै गरेर अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेशन द रुट्स अफ
रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन जो हमें पत्ता लगन पड़ने इक्वेसन सो द रूट्स अफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन ए आर ठीक होने पे अरे वन बाई अल्फा और वन बाई बीटा होने पे ओके अब के करूँ वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा को वैल्यू निकालो क्योंकि इसको रूट्स क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेसन फर्मेसन करूर्ने वाले रूट्स को सम भी चाहिए हमें अभी प्रोडक्ट भी चाहिए सो पहला सम निकालने कोशिश करूँ वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इक्वल टू के होने भाई तो एलसीएम लिनु यो अल्फा इंटू बीटा होनी यो बीटा प्लस अल्फा हो बीटा प्लस अल्फा को वैल्यू तो हमीसंग अलरेडी कति आई रख फाइव बाई थ्री आई रहते गए अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू माइनस टू बाई थ्री ये दुईटा कैंसिल आउट भो सो कति आने भाई तो माइनस फाइव बाई टू आने भाई तेरे अब के करूँ यह रूट्स को प्रोडक्ट भी निकालने कोशिश करूँ सो यो वन बाई अल्फा इंटू वन बाई बीटा भी होने भाई सो वन बाई अल्फा इंटू बीटा भी होने भाई दुईटा मल्टिप्लाई कर सो वन डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा को वैल्यू कैसे माइनस टू बाई थ्री सो इस मैं कसरी लेखना पाए माइनस थ्री बाई टू लेखना पाए ओके देन रूट्स अफ सरी देन क्वाड्रेटिक इक्वेसन क्वाड्रेटिक इक्वेसन हैविंग रूट्स वन बाई अल्फा एंड वन बाई बीटा इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इंटू एक्स प्लस वन बाई अल्फा इंटू वन बाई बीटा इक्वल टू जीरो होने भाई ठीक है नाई सो यह होने भाई तो अब एक्स स्क्वायर माइनस अब वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा को बिल तो हमें अलरेडी निकाली सकते कति निकाली रख माइनस फाइव बाई टू निकाली रख सो यह होने भाई तो प्लस फाइव बाई टू इंटू एक्स होने भाई फिर प्लस वन बाई अल्फा इंटू वन बाई बीटा को वैल्यू कैसे तो माइनस थ्री बाई टू सो इस मैं सीधे माइनस थ्री बाई टू इक्वल टू जीरो सो अब फिर थोड़े एलसीएम लिने कोशिश करूँ सब यो टू आने भाई सो यो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो होने भाई ये टू लाई क्रस मल्टिप्लाई कर दूँ के पाँन हो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पाँन हो हम रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो जिसको रूट्स ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन रूट को ठैक्क रेसिप्रोकल हो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन छ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुज रूट्स आर ग्रेटर बाई एच देन रूट्स अफ एक्स स्क्वायर माइनस पीएक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो भाग हमें एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन पत्ता लगाउनु पर्ने जसको रूट यो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रूट भन्दा एच ले बढी हुन्छ भनेर भनिरहेको छ यदि इसको रूट अल्फा र बीटा हुन्छ भने जुन हमें फाइन्ड गर्नुपर्ने क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यसको रूट्स के हुन पर्यो त अल्फा प्लस एच र बीटा प्लस एच हुन पर्यो है त ओके अब यह क्वेश्चन कसरी सल्व करने भर हे सल्युसन लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एक्स स्क्वायर माइनस पीएक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो ओके अब ए को वैल्यू कति पाँच हमें वन पाँच बी को वैल्यू माइनस पी पाँच र सी को वैल्यू चाहिए क्यू पाँच हाई तो कंपेयर करता खेल सो अल्फा प्लस बीटा कति होने भाई तो माइनस बी बाई ए होने भो सो यो पी बाई वन बने को पी होने भाई तस्ते अल्फा इंटू बीटा कति हो सी बाई ए हो सी को ठा में क्यू छा को ठा में वन छो ये कति होने भाई तो क्यू होने भाई ठीक है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रूट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन के होने पे रूट्स मैं सब कुछ लेखे हाई रूट्स आर हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेसन पत्ता लगन पर्ने को रूट्स के भनऊ त एउटा अल्फा प्लस एच छ र अर्को चाहिँ बीटा प्लस एच छ किनभने ग्रेटर बाई एच भनेर भनिरहेको छ सो अब फिर के करूँ दुईटा रूट्स एडिशन करने कोशिश करूँ सो यो अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच होने भयो सो यो अल्फा प्लस बीटा प्लस टू एच होने भयो हामीसँग अलरेडी भ्यालु छ अल्फा प्लस बीटा को भ्यालु कति आइरहेको छ त पी आइरहेको छ सो यो पी प्लस टू एच होने भयो है त त्यसै गरी फेरि दुईटा रूट्स मल्टिप्लाई पनि गरौ अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच सो अब अल्फा इंटू बीटा गर्दाखेरि यो अल्फा इंटू बीटा नै हुने भयो सो फेरि प्लस अल्फा इंटू एच गर्दा यो अल्फा एच हुने भयो फेरि प्लस यो एच इंटू बीटा गर्दा बीटा एच हुने भयो फेरि प्लस एच स्क्वायर हुने भयो
सो अब यह अल्फा इंटू बीटा को बेला हमीसंग क्यू छो मैं यहाँ क्यू लेखे फिर प्लस ये दुईटा के कमन आई रख तो यच कमन आई रख सो यो अल्फा प्लस बीटा प्लस एच स्क्वायर होने भाई सो यो क्यू प्लस एच इंटू अल्फा प्लस बीटा को वैल्यू कैसे हमीसंग अभी पी छो यो पी होने भाई फिर प्लस एच स्क्वायर होने भाई ओके दुईटे को वैल्यू आयो नाउ इक्वेसन इक्वेसन हेविंग रूट्स अल्फा प्लस एच एंड बीटा प्लस एच इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस एच इंटू बीटा प्लस एच इक्वल टू जीरो होने भाई सो एक्स स्क्वायर माइनस अब हे इसको वैल्यू कति आई रखे तो अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच को वैल्यू पी प्लस टू एच आई रख सो यो पी प्लस टू एच इंटू एक्स प्लस अब इसको वैल्यू कति आई रख क्यू प्लस एचपी प्लस एच स्क्वायर आई रख सो इक्वल टू जीरो रो नहीं हम होने भाई तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने भाई जस्ट हमने के कराक यहाँ भेलूर मत लगे हई तो अल्फा प्लस एच प्लस बीटा प्लस एच को वेल्यू पी प्लस टू एच है इसको ठाक में लाख दिए इंटू एक्स प्लस अब इस सल्व करता कति आई रख हम भेल्यू क्यू प्लस एचपी प्लस एच स्क्वायर आई रख सो इसको ठाक में लगे क्यू प्लस एचपी प्लस एच स्क्वायर लेकर रख दिए सो यह नहीं हम होने भाई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन होने भाई क्या बुझ्ने भाई नहीं हाई हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच रूट्स आर द स्क्वायर अफ द रूट्स अफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो भाग हमें के करूर्ने एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पत्ता लगन पर्ने जिसको रूट यो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट को स्क्वायर होने भाई यदि मानू यो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट अल्फा र बीटा छोड़ने जो हमें फाइंड कर पर्ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ रूट्स के अल्फा स्क्वायर र बीटा स्क्वायर होके अब के करने हर सोलुसन लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स अफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो भन ओके अलग कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो संग सो हमें के पाँच ए इक्वल टू थ्री पाँच बी इक्वल टू माइनस फाइव पाँच र सी को वेल्यू माइनस टू पाँच हाई ओके सो अल्फा प्लस बीटा को वेल्यू कति हो माइनस बी बाई ए हो सो कति होने भाई फाइव बाई थ्री होने भाई सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कति भाई तो सी बाई ए भो सो कति आने भाई माइनस टू बाई थ्री आने भाई फिर एकर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन ने भनेअुसार रूट्स अफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन जो हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रूट्स के होने पर्च अरे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन को रूट्स को ठैक्क स्क्वायर होने पर्च सो रूट्स अफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर र बीटा स्क्वायर हो सो अब हम काम के होता तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन पत्ता लगन पर्ने दुईटा रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेसन सीम्पल के होन्थ अरे एक्स स्क्वायर माइनस अब इसको रूट्स के अल्फा स्क्वायर र बीटा स्क्वायर से इसको सम भइहाल्यो इंटू एक्स प्लस अनि प्रोडक्ट अफ रूट्स हुन्छ सो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर हुन्छ सो हाम्रो काम के हुने भयो त यो दुईटा को भेल्यू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ सो हामीले के गर्छौ अब दुईटा रूट्सहरुलाई एडिशन गर्ने काम गर्छौ सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यो कसरी निस्किन्छ होला त्यसको भेल्यू यो भनेको अल्फा प्लस बीटा को होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा गरेर निस्किन्छ यो त हाम्रो फर्मुला भयो है सो यो जुन रूट्सहरुको फंक्शन आइराको छ इसलिए हमें के भाँ तो सीमेट्रिक फंक्शन भी भरने क्योंकि इसको भेल्यू हमें के करना सकता जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छको रूट्स सजिलरी निकालना सकता सो इट दिस इज द सीमेट्रिक फंक्शन अफ द रूट्स ओके फिर हेन त अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा को वेल्यू हमें कति आई रखे तो फाइव बाई थ्री आई रख इसको होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा को वेल्यू कति माइनस टू बाई थ्री सो इस सीम्प्लिफाई करने कोशिश करूँ यह ट्वेंटी फाइव बाई नाइन माइनस यो प्लस फोर बाई थ्री होने भाई सीम्प्लिफाई करता कति होने भाई एलसीएम यो नाइन होने भो यो ट्वेंटी फाइव प्लस फोर इंटू थ्री कर टुवेल्व होने भाई तीन थ्री छे थ्री फोर इंटू टुवेल्व होने भाई ओके ये कति आने भाई अब यह थर्टी सेवेन बाई नाइन होने भाई ठीक
ठीक है। त्यस्तै गरेर फेरि अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, अल्फा स्क्वायर इन्टु बिटा स्क्वायर निकाल्नु पर्ने छ। यो के हुन्छ, अल्फा इन्टु बिटाको होल स्क्वायर पनि हुन्छ। सो अल्फा इन्टु बिटाको भ्यालु कति छ त, -2/3 छ। सो यसको होल स्क्वायर हुने भयो, सो यो 4/9 हुने भयो। दुइटैको भ्यालु आयो। अब लिएर गएर यो यसको ठाउँमा लिएर गरेर राख्न सक्यो भने हामीले सजिलै के गर्न सक्छौँ त, हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। ओके, इक्वेसन अफ इक्वेसन विथ रुट्स अल्फा स्क्वायर एन्ड बिटा स्क्वायर इज गिवन बाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बिटा स्क्वायर इन्टु एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इन्टु बिटा स्क्वायर इक्वल टु 0 हुने भयो। सो एक्स स्क्वायर माइनस अब अल्फा स्क्वायर प्लस बिटा स्क्वायरको भ्यालु कति आइरहेको छ त, 37/9 आइरहेको छ। इन्टु एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इन्टु बिटा स्क्वायरको भ्यालु 4/9 आइरहेको छ, इक्वल टु यो कति हुने भयो त, 0 हुने भयो है। सो यसलाई एलसिएम लिग्यो भने यो 9 हुने भयो, यो 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 4 इक्वल टु 0 हुने भयो। 9लाई क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ, हामीले के पाउँछौँ, यो 9x स्क्वायर माइनस 37x प्लस 4 इक्वल टु 0 भनेर पाउँछौँ, र यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन हुन्छ। अब आजलाई यति मात्रै गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास, द्याट्स माई टाइम। इफ यु रियल्ली इन्जोय द भिडियो, प्लिज डोन्ट फर्गट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।